अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपके साथ 10 मिनट रूल शेयर करने वाले हैं और आपको ऐसी 3 मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाले हैं जिन्हें आप रोज सिर्फ 10 मिनट ही करोगे तो आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होगी। आप दिन भर लेजी फील नहीं करोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बाहर निकल पाओगे और आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी फील करोगे। अगर आप सारी हैबिट्स एक साथ फॉलो करना चाहते हो तो बहुत खूब, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वही हैबिट को चूज करके फॉलो करना है जो आपके लिए बेस्ट है। हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि कौन सी ऐसी हैबिट है जिन्हें आप डेली 10 मिनट्स फॉलो करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्रिंक का ग्लास ऑफ वाटर। क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में 70% सिर्फ पानी होता है और अगर हम दिन भर में या सुबह उठते ही जरूरत के मुताबिक इनफ पानी पीते हैं तो यही वाटर हमारे ब्रेन और हमें दोनों को एनर्जाइज कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि लगातार 7 से 8 घंटे सोने के दौरान पानी ना पीने से हमारी ब्रेन डिहाइड्रेशन की स्टेट में चली जाती है और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स ड्राई हो जाते हैं और इसी वजह से आप मॉर्निंग में सर दर्द, लेजीनेस, थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप सुबह उठते ही खाली पेट सिर्फ 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और ये पानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को खत्म करने में मदद करता है। अब आप चाहें तो इस पानी में लेमन भी ऐड कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल आराम आराम से पीना है। और हम आपको एक और बोनस टिप देना चाहेंगे जो हम खुद भी फॉलो करते हैं और वो ये है कि आप एक तांबे के जग में रात को पानी रखें और सुबह उठ के इस पानी को 1 या 2 ग्लास खाली पेट पीजिए और इसके काफी फायदे हैं। अगर आपको सूटेबल लगे तो ही करिए, वरना आप नॉर्मली भी सुबह बोतल से 1 या 2 ग्लास पानी पी सकते हैं। नंबर 2, मेक योर बेड। एडमिरल विलियम एच मैक्रीवन ने अपनी यूटी ऑस्टन की स्पीच में कहा था कि अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत आप अपने बिस्तर को ठीक करने से करिए। इवन डेविड कोजन, जिसे वर्ल्ड का टफेस्ट मैन माना जाता है, रिसेंटली उनकी बुक कांट हर्ट मी पढ़ के कम्प्लीट की है, जिसमें हमने जाना है कि इवन डेविड कोजन को भी जब अपने पुराने लूजर सेल्फ को छोड़ के खुद को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना था तो उन्होंने शुरुआत सुबह उठ के सबसे पहले अपने बेड को ठीक करने और बिस्तर बनाने से की थी, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, तभी इसे मिलिट्री में भी फॉलो करवाया जाता है। एक्चुअली सुबह अपना बिस्तर बनाना और ठीक करना को रिलेट करता है डिसिप्लिन से। तो सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाने से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है और ऐसा करना फिर आपको दिन के बाकी टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक हैबिट आपको सबकॉन्शियसली और साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट करती है। नंबर 3, लिसन म्यूजिक। क्या आपको पता है कि आपका म्यूजिक टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी शो करता है और सिर्फ कुछ देर किसी पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक आपके मूड को और पूरे दिन को अच्छा या बेकार बना सकता है, जो कि आपने सैडनेस में सैड गाने सुनने के बाद सैड मूड करके एक्सपीरियंस किया होगा या पार्टीज में लाउड एंड एनर्जेटिक गाने सुनकर एनर्जाइज्ड फील किया होगा। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, वो है कि म्यूजिक के अकॉर्डिंग मूड चेंज होना। तो अगर आप दिन के शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट भी कोई भी पॉजिटिव, काम या अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं तो ऐसा करना आपके मूड को उसके अकॉर्डिंग काम, पॉजिटिव, हैप्पी या मोटिवेटेड फील करवाएगा। पर आपको सुबह रॉक म्यूजिक या कोई अग्रेसिव या लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है, बल्कि आपको कोई अच्छा और काम म्यूजिक सुनना है। लेकिन इन सब के बरक्स अगर आप कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं तो इससे भी आपके माइंड को रिलीफ मिलेगा और आप सारा दिन बहुत रिलैक्स फील करेंगे। नंबर 4, रीड समथिंग इंस्पायरिंग। अगर आप दिन के शुरुआत में इंस्पायर, मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव माइंडसेट चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि आप दिन की शुरुआत में कुछ सक्सेसफुल एंड इंस्पायरिंग लोगों की बातें अपने दिमाग में डालें, जो कि आप उनकी बुक से, आर्टिकल से जान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में 1 घंटे आप बुक पढ़ो, अगर आपको पसंद है तो अलग बात है, वरना आप सिर्फ 10 मिनट भी अच्छा कुछ पढ़ते हैं तो इससे आपका माइंड सेट डे के स्टार्ट में ही अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली हर बुक का हर चैप्टर इंस्पायरिंग नहीं होता, तो इसे आसान बनाने के लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं जिसे हम खुद भी पढ़ते हैं और वो है डॉक्टर रॉबर्ट एच शूलर की बुक लाइफ चेंजर्स ड्रीमर्स एंड डूअर्स। इसमें काफी सारी स्टोरीज एंड चैप्टर्स सिर्फ 1 या 2 पेजेस की हैं, तो आप डेली एक न्यू स्टोरी पढ़ पाओगे और सिर्फ 1 या 2 पेजेस में स्टोरीज खत्म होने से आप आसानी से रोज 10 मिनट में कोई भी चैप्टर खत्म कर पाओगे और ये सभी स्टोरीज बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं, जो आपको मॉर्निंग मोटिवेशन देने के लिए काफी है। नंबर 5, डीप ब्रीथिंग। ज्यादातर लोगों के लिए 10 मिनट्स मेडिटेशन करना या अपने दिमाग को रिलैक्स रखना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं डीप ब्रीथिंग करना सभी के लिए इजी है। तो आपको सुबह 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करनी है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट के काफी फायदे हैं, जैसे कि कॉमनेस एंड पीस महसूस करना, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होना, स्ट्रेस, एंगर और एंग्जाइटी कम होना, साथ ही एनर्जी लेवल बूस्ट होना और भी कई बेनिफिट
हॉबीज हैं और अगर आपका माइंड पूरे दिन भर स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग एंड एंजाइटी में रहता है और फोकस की कमी है, तो आपके लिए ये डीप ब्रीदिंग बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि इसके मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही एरियाज में काफी फायदे हैं। अब इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ठीक से इंटरनेट की मदद से सीख सकते हैं। नंबर 6, मूव योर बॉडी। ऑर्थोपेडिक सर्जन ग्लैंड जी कहते हैं कि सिर्फ कुछ देर प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेचिंग करना आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स की इंजरी के चांसेस को कम करता है। आपकी मसल ग्रोथ होती है, मसल पेन कम होता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को अच्छा और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर आप पूरे दिन भर लेजीनेस फील करते हैं या बॉडी में पेन महसूस करते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग आपको इसे दूर करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट भी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हो, जिसमें आपकी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, तो आप पूरा दिन फ्लेक्सिबल एंड एक्टिव फील करोगे। नंबर 7, टेक सनलाइट। प्लांट्स, ट्रीज या बाकी चीजों की तरह हम ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को इफेक्ट करने के साथ ही हमें विटामिन डी देती है। और तो और, सनलाइट ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही सूरज की किरणें हमारी ब्रेन की जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव वे में इफेक्ट करती है और मूड को सेटल रखने के साथ साथ इम्प्रूव भी करती है। अगर आप घंटों एक ही रूम में या एक ही जगह बैठे रहते हो और बाहर जाके कभी भी सनलाइट नहीं लेते हो, तो ऐसा करना आपके सर्कैडियन रिदम को खराब कर सकता है, साथ ही आप में डिप्रेशन, सैडनेस और लेजीनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इन सबको अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट सनलाइट लेके। नंबर 8, टेक कोल्ड शावर। अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरह से जगाने में और लेजीनेस खत्म करने में कारगर साबित होता है, और ये आपके माइंड को क्लियर करता है और आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। तभी इसे वर्ल्ड वाइड काफी प्रोडक्टिविटी कोचेस प्रमोट करते हैं, क्योंकि कोल्ड शावर लेने से रिसर्चेस में देखा गया है कि ये हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट को इंक्रीज करता है, और यही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ मोस्ट प्रोडक्टिव लोगों का कोल्ड शावर को लेने के पीछे एक ही रीजन होता है, वो है ज्यादा एनर्जाइज्ड बॉडी, मूड एंड माइंड। नंबर 9, प्लान योर डे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन वैसा ही जाए जैसा आप चाहते हैं, तो आपको डे प्लानिंग की बहुत जरूरत है। तो हर सुबह 10 मिनट दीजिए आपके डे को प्लान करने के लिए। ऐसा करने से आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं और अपने कामों और हैबिट्स को एक सीक्वेंस एंड ऑर्डर के साथ फॉलो कर पाएंगे। ये आपके ब्रेन को ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन रखता है, और आपको अपनी ये लिस्ट को एक पेपर पे लिखना चाहिए बजाय फोन के, क्योंकि फोन आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और पेपर पे टास्क के आगे कंप्लीट का चेक मार्क लगाने से एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। और इवन आप चाहें तो आप ये 10 मिनट्स की प्लानिंग एक रात पहले दूसरे दिन को एडवांस में प्लान करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपको आपके हिसाब से सूटेबल लगे। नंबर 10, रिफ्लेक्शन। अब मैं आप में से ज्यादातर लोग सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जो चीज करते होंगे वो है अपने फोन को यूज करना। अगर आप अपनी लाइफ में रियली कुछ बड़ा और अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज हर दिन की स्टार्टिंग में सिर्फ खुद ये अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्शन डालने की हैबिट डालिए। यानी आप डेली 10 मिनट्स पीसफुल माइंड के साथ खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में एंड लाइफ पर्पस के बारे में जरूर सोचिए, और ये देखिए कि आपकी आपके लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग कैसी परफॉर्मेंस है। डेली सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसा जाना चाहिए और मैं कैसे आज का अपना ये दिन अच्छा बना सकता हूँ। आप खुद से डीप क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा करना आपको लाइफ में क्लैरिटी एंड सेल्फ अप्रूवेंस देगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकअल्लाह।